स्नेही बंधु, आपके शरीर में आत्मा है? यदि है तो बोलो, और नहीं है तो मत बोलो। जिन जिनके शरीर में है आत्मा है वो कहो हाँ हमारे शरीर में आत्मा है। बोलिए हमारे शरीर में आत्मा है। अच्छा, कहाँ रहते हैं शरीर में? कभी आपके मन में प्रश्न नहीं आया कि शरीर में आत्मा दिखती तो है नहीं है, रहती कैसी है? दिखती तो है नहीं है मगर रहती कैसे और कहाँ कैसे रहती है, कभी आपके मन में प्रश्न नहीं आया? कभी आपने पूछा नहीं गुरु से जाकर के कि हमारे शरीर में आत्मा कैसे रहती, कहाँ रहती है? आचार्यों ने एक श्लोक दिया है, पाषाणेषु यथा हेमा, दुग्ध मध्ये यथा घृतम, तिल मध्ये यथा तैलम, काष्ठ मध्ये यथा वह्नि। पाषाण में सोना रहता है, पीला पीला दिखता तो है मगर सोना अलग से नजर नहीं आता है, जैसे पाषाण में सोना रहता है। दुग्ध मध्ये यथा घृतम, ये तो पक्का है कि दूध में घी रहता है। अरे बोलिए ना, लेकिन दिखता है क्या? नहीं दिखता है। दूध में घी रहता है मगर दिखता नहीं है। कब दिखेगा? जब उस प्रक्रिया से उसे निकाला जाएगा, दूध का दही बनाओगे, दही का मक्खन बनाओगे, मक्खन को आग में तपाओगे तो घी दिख जाएगा। लेकिन दूध में घी दिख नहीं रहा, इसका मतलब ये तो नहीं कि दूध में घी है नहीं। दूध में घी है तो सही ना, हमारे शरीर में आत्मा नहीं दिख रही तो ऐसा तो नहीं कि आत्मा नहीं है, आत्मा है ना। दुग्ध मध्य यथा घृतम, तिल मध्य यथा तेलम। आपने तिल देखी है? सर्दियों में तिल की पट्टी खाते हो, तिल की बर्फी खाते हो, तिल के लड्डू खाते हो, और तुम्हारा जो वो होता है संक्रांति वो लड्डू से ही मनाई जाती है ना। तो जो लड्डू बनते हैं और जो तिल होती है उसमें तेल है कि नहीं है? तिल में तेल है कि नहीं? अच्छा, आप मूंगफली खाते, चलो तिल का तो उदाहरण दे दिया, मूंगफली खाते हो, खाते हो ना, सेंग दाना भी बोलते हैं, है ना, खाते हो ना, उसमें तेल है कि नहीं? क्या बात है, आप बड़े समझदार हैं। जो सरसों आती है, सरसों को अपना तेल है कि नहीं? है। जो नारियल है, नारियल, नारियल में तेल है कि नहीं? दिख रहा है क्या? लेकिन जब उसको निचोड़ा जाता है मशीन के द्वारा तो उसमें से तेल की धार निकल जाती है। ठीक ऐसे ही हमारे अंदर आत्मा है और इसे पाना है तो जो प्रक्रिया सोने के साथ करी है, जो प्रक्रिया दूध के साथ करी है, जो प्रक्रिया तिल के साथ करी है, वही प्रक्रिया शरीर के साथ करनी होगी। वही प्रक्रिया शरीर के साथ करनी होगी। पाषाण के साथ में क्या प्रक्रिया करी? पाषाण को अग्नि में डाल दिया, पाषाण को अग्नि में डाल दिया, सोना पिघल पिघल के बाहर आ गया, पत्थर अलग हो गया, सोना अलग हो गया, पत्थर को फेंक दिया, सोने को रख लिया। दूध में से घी निकालना था, वही प्रक्रिया जो अभी बताई थी, उस प्रक्रिया से चले तो घी मिल गया, है ना। इसी तरह से तिल में से तेल निकाला, उसको पेलना पड़ता है। अब ऐसे नहीं कि शरीर को दबाओगे तो आत्मा निचुड़ के बाहर आ जाएगी, ऐसा नहीं है। हर चीज का तरीका अलग होता, सोने का तरीका अलग है, दूध का तरीका अलग है, तिल का तरीका अलग है, और काष्ठ मध्य यथावन्नी, लकड़ी में अग्नि है कि नहीं? लकड़ी में अग्नि है कि नहीं? है। कब नजर आएगी? जब उसे किसी थोड़ी सी अग्नि का संयोग मिलेगा, जलने लगेगी और उसका कण कण जल जाएगा, उसका रोम रोम जल जाएगा, और जल करके राख के रूप में परिवर्तित
हो जाएगी। तो ठीक ऐसे ही हमारे अंदर में आत्मा, अरे बोलो ना आधा, आप बोलो ना सारा, मैं ही बोलूं क्या, हमारे अंदर में आत्मा है। तो अभी आप उस आत्मा को प्राप्त कर चुके हैं क्या? नहीं कर चुके। तो मैं आत्मा हूं कि मैं शरीर हूं? मैं आत्मा हूं कि शरीर हूं? मैं दोनों हूं? मैं दोनों कैसे हो सकता हूं? मैं तो एक ही होऊंगा। एक बार में एक द्रव्य एक ही होता है, जीव जीव है, पुद्गल पुद्गल है, पुद्गल जीव नहीं होता है, जीव पुद्गल नहीं, तुम दोनों कैसे हो जाओगे? ये तो प्रकृति का नियम है कि तुम दो नहीं हो सकते हो, तुम एक ही रहोगे। तो तुम जीव द्रव्य हो कि तुम पुद्गल द्रव्य हो? तुम जीव द्रव्य हो या पुद्गल द्रव्य हो? हाँ जी रूपचंद जी, रूपचंद जी कटारिया, आप पुद्गल द्रव्य हो कि जीव द्रव्य हो? जीव द्रव्य, बिल्कुल सही कहा आपने, जीव द्रव्य। मैं कौन हूं? जीव द्रव्य हूं। तुम अपने घर के मकान में रहते हो, घर के मकान में रहते हो ना, तो ऐसा तो नहीं कि मैं घर हूं ऐसा कहोगे क्या? नहीं, घर घर है, मैं हूं है? अब जैसे आपने ये जो वस्त्र पहने हैं, तो मैं वस्त्र हूं ऐसा कहोगे क्या? वस्त्र वस्त्र हैं, मैं हूं। शरीर ने इन वस्त्रों को पहना है और आत्मा ने शरीर रूपी वस्त्र को पहना है। शरीर ने इन वस्त्रों को पहना है और आत्मा ने, तो ऐसा तो नहीं हो सकता मैं वस्त्र हो जाऊं? जब मैं वस्त्र नहीं हो सकता तो मैं शरीर कैसे हो सकता हूं? जब मैं वस्त्र नहीं हो सकता तो मैं शरीर कैसे हो सकता हूँ? मैं शरीर नहीं हो सकता। अनादि काल से ये आत्मा, ये जीव अनंत काल से पुद्गल के साथ रह रहा है। किसके साथ में? पुद्गल के साथ में अनंत काल से। लेकिन आज तक ये जीव पुद्गल नहीं बना और पुद्गल जीव नहीं बना। जीव पुद्गल नहीं बन सकता और पुद्गल जीव नहीं बन सकता है, है ना? शरीर शरीर रहेगा, ये शरीर छूटेगा दूसरा मिल जाएगा, क्योंकि हमने पुद्गल की संगति करी है। किसकी संगति करी है? पुद्गल की संगति किसने करी? जीव ने करी है। तो कर्म क्या है? पुद्गल है। कर्म क्या है? पुद्गल है। चिपक गए हम में आकर के, और ऐसे चिपके कि पूरी एक चैन बन गई। इधर से आता है पुद्गल, इधर से जाता है, कुछ उदय में आ रहा है, कुछ वापिस आ रहा है, कुछ उदय में आ रहा है, कुछ वापिस आ रहा है, बस यही प्रक्रिया चल रही है और हम इससे निकल ही नहीं पा रहे। तो जो धर्म है, इस प्रक्रिया से हमें आत्मा को अलग और शरीर को अलग करता है। ये बात किसने बताई कि आत्मा अलग है शरीर अलग है? किसने बताई ये बात? हमारी पहचान हमें किसने कराई? हमें अपनी पहचान नहीं है, हम अपने आप को पहचानते नहीं है। तुम कहोगे नहीं मेरा नाम ये है, हम अपने आप को बहुत जानते हैं। नहीं, नाम में पुद्गल है। शरीर को जानते हो? शरीर में पुद्गल है। पड़ोसी को जानते हो? पड़ोसी में पुद्गल है। परिवार को जानते हो? वो भी पुद्गल है। जिन जिन को जानते हो सब पुद्गल है। जीव को तो जानते ही नहीं हो अभी। अभी पड़ोसी का स्वभाव पूछेंगे तो एक मिनट में बता दोगे, बड़ा गुस्सेबाज है, बहुत मायाचारी करता है, झूठ भी बोलता है। एक मिनट में उसका स्वभाव बता दोगे? तुम्हारी आत्मा का क्या स्वभाव है? नहीं, वो नहीं पता है। भगवान का क्या स्वभाव है? नहीं, वो भी नहीं पता। पड़ोसी का पता है, पड़ोसी की सब बातें पता है तुम्हें, अपने पता होना हो। हम अपने को छोड़कर दूसरे में जा रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं? तो पाषाणेषु यथा हेमा, दुग्ध मध्ये यथा घृतम, तिल मध्ये यथा तैलम, देह मध्ये यथा शिवा। देह मध्ये यथा शिवा, शिव यानी आत्मा, शिव यानी आत्मा। देह मध्ये, देह के मध्य में हमारी आत्मा विराजमान है। मैं आपको बार बार याद दिलाती हूँ, आप मुझे देख रहे हैं? अच्छा, आपकी आंख मुझे देख रही है? अरे बोलिए ना, आपकी आंख मुझे देख रही है? आपके कान मुझे सुन रहे हैं? अब आंख देख रही है या आंखों से देख रहे हो?
बड़ी गहरी बात है, समझने वाला वहां तक पहुंचेगा जहां मैं पहुंचाना चाहती हूँ। आप आंखों से देख रहे हो या आंख देख रही है? क्या बात, आप एक मिनट में पलट गए। आंखों से देख रहे, अब से आया तो देखने वाला कोई दूसरा हो गया, और आंख देख रही मतलब पुद्गल। यदि आंखों से ही दिखता है, यदि आंख ही देखती है तो मुर्दे को दिखना चाहिए, यदि आंख ही देखती है तो मुर्दे को भी दिखना चाहिए। आंखों से देखते हैं तो देखने वाला कोई और है। अभी कोई और कौन है? मैं। कौन है? मैं कौन? आत्मा। मैं कौन हूं? अच्छा, तुम्हारे कान सुन रहे हैं? तुम्हारे कान सुन रहे हैं? नहीं, कानों से सुन रहे हो, तो सुनने वाला कौन है? अभी आप इतने खुश होकर सुन रहे हो, तो जिन जिनके शरीर से आत्मा निकल जाती क्या उनको सुनाई पड़ता है? नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि सुनने वाला चला गया। जो मैं था वो चला गया, जो मैं नहीं था वो रह गया। जिसे जाना था वो चला गया, जिसे रहना था, रहने वाला कौन है? शरीर। तो तुम शरीर हो क्या? अरे बोलो ना, तुम शरीर हो या आत्मा हो? अब दूध में से घी निकाल रही हूं। इस समय जो सारी चर्चा चल रही है वो घी की चल रही है। दूध क्या है, छाछ क्या है और मक्खन क्या है, उसकी चर्चा चल रही है। तो आप दूध हो कि छाछ हो कि मक्खन हो कि घी हो, हम घी हैं। क्या है? हम घी हैं। अब घी को निकालने के लिए तो बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। दूध को पहले उबलना पड़ता है, फिर जमना पड़ता है। जम जाओ, पहले उबलो, फिर जमो, फिर बिलो, फिर मक्खन निकालो, फिर छाछ अलग हो जाएगी, मक्खन अलग हो जाएगा। अभी काम खत्म नहीं हुआ, अभी अग्नि परीक्षा दो, अभी अग्नि परीक्षा दे, तब कहीं जाकर के घी मिलेगा। ठीक ऐसे अभी हम दूध की स्थिति में हैं। अभी हम कौन सी स्थिति में हैं? दूध की स्थिति में हैं। और इस दूध की स्थिति में हमारा घी हमें दिख नहीं रहा है। अभी तो हम दूध को ही मान रहे हैं कि वो ही सब कुछ है, घी को तो पहचानते ही नहीं कि घी है कि अरे होगा, होगी आत्मा वात्मा, हम नहीं जानते आत्मा वात्मा को। और कोई आत्मा की बात करे, अरे वो तो आत्मा आत्मा चिल्लाते हैं, ये अभिनय भाव से और बोल देते हैं। यदि कोई आत्मा की चर्चा करे तो उसके लिए और क्या है, आत्मा आत्मा लगा रखा। क्या होती है आत्मा? कुछ नहीं होती आत्मा, जो है सो सब सामने है, कुछ नहीं है पीछे, ऐसा कई बार बोलने में आता है, नहीं आता है। हम अपनी आत्मा का अपमान खुद ही कर रहे हैं। दूसरों का अपमान तो बाद में होगा, पहले हम अपनी आत्मा का अपमान खुद ही कर रहे हैं। हम दुनिया को जान लें, लेकिन यदि अपनी आत्मा को नहीं जाना, मतलब हमने अभी कुछ भी नहीं जाना। तुम अपनी सहेली को जानती हो? जानती हो? सबको जानते कि नहीं जानते? जो जो आपसे मिलने वाले हैं उनको जानते हैं, जो आपसे नहीं मिलने वाले हैं उन्हें जानते हो कि नहीं? जो आपसे नहीं मिलते हैं क्या आप उन्हें जानते हो? जिनसे आप नहीं मिलते हैं उनको जानते हो कि नहीं? अरे बोलो ना। अच्छा ये बताओ, अभी आपने कहा जिनसे आप नहीं मिलते आप उन्हें नहीं जानते, लेकिन मैं कहती हूँ आप जानते हैं। आप सीरियल देखते हो? देखते हो? उनके कलाकारों से कभी मिले? नहीं मिले? उन्हें जानते हो कि नहीं जानते हो? अच्छा, वो तुम्हारे घर आते हैं, पिक्चर देखी है, पिक्चर के कलाकारों को जानते हो, अखबार में खूब पढ़ते हो, अरे इसका ये आया है, उसका ऐसा हो गया। भारत के प्रधानमंत्री से कभी हाथ मिलाया है? मिले हो कभी? जानते हो कि नहीं जानते हो? नहीं जानते हो? महावीर भगवान को जानते हो? मिले कि नहीं मिले कभी? मिले कि नहीं मिले कभी? तुम्हारे घर में हीरा नहीं है, हीरे को जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते हो ना? हम जिन जो रिश्तेदार हैं उन्हें तो जानते ही जानते हैं, लेकिन जिनसे नहीं मिले हैं
उनको भी हमने बहुत सारा इकट्ठा कर रखा है दिमाग में, मैटर इतना भर रखा है अपने दिमाग को कि भगवान तो घुसते ही नहीं हमारे दिमाग में। अब भगवान को घुसाना है दिमाग में तो अपने इन सब चीजों के फाइल को डिलीट करना पड़ेगा। मोबाइल में ज्यादा मैटर हो जाए तो डिलीट करना पड़ता है ना। अरे हाँ तो बोलो भाई, तेरा माइक कल जैसा क्यों नहीं हो रहा? जैसे तुम्हारा मोबाइल है ना, मोबाइल में जीबी होती है, जितने जीबी का मैटर होगा उतना आ जाएगा, बाकी अपने आप उड़ने लगेगा। ऐसी तुम्हारे दिमाग की जीबी होती है, एक किसको कितना याद रह सकता है। और यदि ज्यादा लोड पड़ जाए तो फिर टेंशन हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है। हाँ जैसे तुम्हारे उसमें वो आ जाते हैं ना, वायरस आ जाते हैं मोबाइल में कई बार, फिर उसे निकलवाने के लिए भेजते हो, एंटीवायरस डलवाते हो, तो दिमाग में भी एंटीवायरस डालो, बहुत सारे वायरस आ गए। ये अंतराय कर्म है। कौन सा कर्म है? हमारा दानांतराय है, आपका लाभांतराय है। हम देना चाहते हैं, आप लेना चाहते हैं, बीच में अंतराय कर्म है। तो हमने अपने दिमाग में बहुत सारा मैटर इकट्ठा कर रखा है, तो थोड़ा सा ध्यान लगाने के लिए जरूरी है कि बाहर के विषयों की तरफ ध्यान कम दें। ऐसा हो सकता कि बाहर के विषयों की तरफ ध्यान कम जाए, खाने में ध्यान कम जाए, थोड़ा दो चार घंटे का मौन रखो, थोड़ा सा स्वाध्याय करो उस समय में, थोड़ा भगवान को सामने रख के ध्यान लगाओ, थोड़े क्षेत्रों का ध्यान लगाओ, थोड़ा अतिशय क्षेत्रों का ध्यान लगाओ। आत्मा एकदम से नहीं मिल जाएगी, दूध का मक्खन एकदम से नहीं बन जाता है, उस प्रक्रिया को करने में टाइम भी लगता है और मेहनत भी लगती है, प्रयास भी करना पड़ता है, पुरुषार्थ भी करना पड़ता है, जो हमारे भगवान ने किया है तो वो भगवान बन गए। भगवान की आत्मा घी जैसे है, प्योर शुद्ध है, अब वो कभी दूध बनने वाली, हम भगवान को बुलाते ना, भगवान आ जाओ भगवान आ जाओ, वो आने वाले नहीं है। हम बुलाते चल रहे हैं, हमारी भक्ति है कि हम बुला रहे हैं। तो आपको थोड़ी सी आत्मा समझ में आई, आप कौन है? आप पुद्गल हैं? आत्मा पुद्गल है, आत्मा जीव है? मैं तुम्हारी पूछ रहे, तुम कौन है? आत्मा तो जीव होती है, तुम कौन हो? शरीर नहीं हो तुम? संसार में दिन भर सारी की सारी कहानी आत्मा की होती है या पुद्गल की होती है? 24 घंटे में से कितने घंटे आत्मा की कहानी करते हो और कितने घंटे शरीर और पुद्गल की कहानी करते हो? आत्मा की चर्चा 24 घंटे में से कितनी देर करते हो और शरीर की चर्चा कितनी देर करते हो? आत्मा का ध्यान कितनी देर करते हो और शरीर का ध्यान कितनी देर करते हो? उसमें आत्मा का ध्यान तो होता ही नहीं है। आत्मा का ध्यान तो हो कहाँ रहा उसमें? वो तो भगवान की पूजा पार्थना देव सेवा आपकी करूँ सदा दीजे निवास मल बोली ओम देव शिव पार्थना विनय पाठ पढ़ करके वो पूजा, उसमें तुम्हारी कहाँ कहाँ क्या हो रहा है? पूजा तो एक थोड़ा सा पापों से बच के थोड़ा सा पुण्य में आने का निमित्त है, इसमें आत्मा है ही नहीं है। है तो सही, लेकिन जो एक हम घी वाली आत्मा की चर्चा के लिए बता रहे हैं वो नहीं है इसमें। पूजा करना अच्छी बात है, ऐसा नहीं छोड़ मत देना, जब तक आत्मा की प्राप्ति ना हो तब तक पूजा को, जब तक आत्मा की प्राप्ति ना हो तब तक पूजा पाठ सामायिक आदि छोड़ मत देना, इसको प्राप्त करने की कोशिश करना। बचपन अच्छा लगा फिर भी खोता रहा, जवानी में ऐसी नींद आई कि सोता रहा, अब बुढ़ापा ना अच्छा लगता है ना नींद आती है। अब बुढ़ापा
ना अच्छा लगता है ना नींद आती है, दो कदम चलो सांस फूल जाती है और याददाश्त ऐसी खुद को भूल जाती है। सिर के बाल गायब होते हैं, जवानी के गाल गायब होते हैं, आंखों की लाइट गोल होती है और खाने की हर चीज़ घोल होती है। बचपन में दो पांव जाते थे गांव गांव, अब हैं दो कदम मुश्किल जबकि हैं तीन पांव, जबकि हैं तीन पांव। बचपन में दो आंखें दूर तक देख लेती थी पर बुढ़ापे में चार आंखें भी जवाब देती हैं। यूं तो बचपन जवानी बुढ़ापा जिंदगी की जुड़ी हुई कड़ी से कड़ी है, पर बुढ़ापे की कहानी बहुत बड़ी है, पर बुढ़ापे की कहानी बहुत बड़ी है। बुढ़ापे में मौत क्यों लगती है सुहानी, बुढ़ापे में मौत क्यों लगती। एक बच्चा नहीं कहता भगवान मुझे उठा ले, जवान नहीं कहता है, कौन कहता है। और ज़्यादा बूढ़ा हो जाए खाट पे पड़ जाए तो फिर घर वाले कहते हैं, क्या कहते हैं, नहीं ऐसे नहीं कहते, ऐसे कहेंगे तो लोग कहेंगे अच्छा अपने पिताजी के मरने की कामना कर रही है, नहीं ऐसे नहीं कहते, अब इनका दुख नहीं देखा जाता, ऐसे ही तो कहते हैं, अब इनका दुख नहीं देखा जाता, मतलब भगवान ले जा हमारे काम का नहीं है, अब खाट में पड़ा है। बुढ़ापे में मौत क्यों लगती है सुहानी, जब बुढ़ापा आया तब ये बात जानी, जो बचपन से प्रभु का नाम रटता तो ये बुढ़ापा बोझ ना लगता, बड़े आराम से कटता और ऐसा कि कटा का कटा रह जाता और चेतन कटे बुढ़ापे को अलविदा कह जाता, और चेतन कटे बुढ़ापे को। बुढ़ापा तेरी कोई ना पूछे, सुना है ना टीवी में, बुढ़ापा तेरी कोई ना, आया बुढ़ापा कहे गया कान में दो बात, ध्यान से सुनना, यदि ये बातें याद रखी तो जीवन में काम आएंगी आप, मंत्र तो काम आते ही आता, उससे ज्यादा ये भी काम आएंगी। आया बुढ़ापा कहे गया कान में दो बात, या तो पूत सपूत हो या पूंजी रखो हाथ, बुढ़ापा तेरी कोई ना पूछे, ते बुढ़ापा तेरी। आया बुढ़ापा कहे गया तीन कान में बात, आया बुढ़ापा मीठा बोलो, गुस्सा मत करना बुढ़ापे में, जो मिल गया ठीक है, नमक वाला दे दिया ठीक है, मीठा वाला दे दिया ठीक है, सब ठीक है। मीठा बोलो नभ के चालो, लाठी ले लो हाथ, बुढ़ापा तेरी पूछे बात, बुढ़ापा। आया बुढ़ापा कह गया चार कान में बात, आया बुढ़ापा, ध्यान से सुनना आखिरी बातें हैं। रूप उमरिया ले गई, उम्र के साथ में शक्ल बुढ़ापे में खराब हो जाती है, जो जवानी में आईना बार बार देखते थे बुढ़ापे में देखने का मन नहीं करता। रूप उमरिया ले गई बहुएं ले गई पूत, रूप उमरिया ले गई बहुएं ले गई पूत, और लड़की जमाई ले गए हम रह गए ऊत के ऊत, बुढ़ापा तेरी कोई ना पूछे पाते, बुढ़ापा तेरी। चलिए मैं तीन चीज बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। चलने में पात का, मित्रों में सात का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का, अनाज में चने का, पेड़ में तने का, और बुढ़ापा सुधारने का। मनुष्यों में दानी का, रिश्तों में नानी का, और बुढ़ापे में सावधानी का।
हिंदी में मात्रा का स्कूल में छात्रा का आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का और जीवन में धर्म का। महीनों में मई का, रजाई में रुई का और आने वालों में बम्बई का। बिजली में तार का, सप्ताह में बार का और आने वालों में खार का। खार से ही तो आए हो, बोरीवली से आए। तपस्या में बाहुबली का, फूल में कली का और आने वालों में बोरीवली का। गोरेगांव, नदी में नाव का, शरीर में पांव का और आने वालों में बम्बई के गोरेगांव का। कांदीवली, वस्तुओं में तली का, वस्तुओं में तली का, गांव में लली का और आने वालों में कांदीवली का। कुचामन सिटी, ट्रेन में टीटी का, धरती में चीटी का और आने वालों में कुचामन सिटी का। आसाम, सुबह के बाद शाम का, सिर दर्द में बाम का और आने वालों में आसाम का। देवल, अच्छा, शरीर में बल का, पीने में जल का और आने वालों में देवल का। कांदला, थांदला, अच्छा, टलने में बला का, मनुष्यों में कला का और आने वालों में थांदला का। राणापुर, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का और आने वालों में राणापुर का। पुकारे आस तुझे तेरी आत्मा, तुझी को जगाए रे, भूल गया तू पथ अपना, बोधि कराए। पुकारे आस तुझे तेरी आत्मा, आहुति कितने जन्म की, भोगों में दे दिया, भोगों में दे दिया, पुण्यों का फल ये नरितन, विषयों में खो दिया, विषयों में खो दिया। ओ मनिवारे, पुण्यों का फल ये नरितन, विषयों में खो दिया, पिंजरे की पंछी बन गई तेरी आत्मा। पुकारे आज तुझे तेरी आत्मा, तुझी को जगाए रे, भूल गया तू पथ अपना, बोधि कराए। पुकारे आज तुझे तेरी आत्मा, कितने जन्मों की भटकन, सहती ये आत्मा, सहती ये आत्मा, अपने बाबुल घर जाने, कहती ये आत्मा। तेरे मन में पारसना, रोम रोम में बसा है पारसनाथ रे, मेरी सांसों में बसा है पारसनाथ रे। मेरे मन में पारसनाथ, मेरे तन में पारसनाथ, रोम रोम में बसा है पारसनाथ रे, मेरी सांसों में बसा है पारसनाथ रे। जैसे नदियों में है गंगा, जैसे नदियों में है गंगा, जैसे नभ में सोए चंदा, जैसे नभ में सोए चंदा, बूटे बूटे में समाया पारसनाथ रे, मेरी सांसों में बसा है पारसनाथ रे। मेरे मन में पारसनाथ, मेरे तन में पारसनाथ, रोम रोम में बसा है पारसनाथ रे, मेरी सांसों में बसा है पारसनाथ रे, मेरी सांसों में बसा है पारसनाथ रे। जैसे फूलों में है
खुशबू, जैसे फूलों में है खुशबू, जैसे कलियों में है रंग, जैसे कलियों में है रंग। पत्ते पत्ते पे बसा है पारसनाथ रे, मेरी सांसों में बसा है पारसनाथ रे, मेरे मन में पारसना, तेरे मन में पारसना, रोम रोम में बसा है पारसनाथ रे, मेरी सांसों में समाया पारसनाथ रे। आप सब बोलना पारसनाथ। चौलेश्वर में पारसना, चौलेश्वर में पारसना, बिजोलिया में पारसनाथ, बिजोलिया में, शिखर जी में पारसनाथ, शिखर जी में पारसनाथ, अंतरिक्ष में पारसना, गौड़ी जी में पारसनाथ, गौड़ी जी में पारसना, फलोदी में पारसना, फलोदी में पारसना, जाजपुर में पारसना, जाजपुर में पारस, गांव गांव में बैठा है पारसनाथ रे, मेरी सांसों में समाया पारसनाथ रे, मेरे तन में पारसना, तेरे मन में पारसना, रोम रोम में समाया पारसनाथ रे, मेरी सांसों में बसा है पारसना। बोल पार्श्वनाथ भगवान की। आया कहाँ से कहाँ है जाना, आया कहाँ से कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना, एक दिन तेरा गोरा तने मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, कुटुंब कबीला खड़ा रहेगा, कोई बचा ना पाएगा, कोई बचा ना पाएगा, कहीं तो तुझको पड़ेगा जाना, कहीं तो तुझको पड़ेगा जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना, बार का सुख खोज रहा है बनता क्यों दीवाना रे, बनता क्यों दीवाना रे, आत्म ही सुख धाम है चेतन, निज को भूल न जाना रे, निज को भूल न जाना रे, सारे सुखों का ए है खजाना, सारे सुखों का ए है खजाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना, जब तक तन में सांस है चलती, सब तुझको अपनाएंगे, सब तुझको अपनाएंगे, जब तक न रहेंगे प्राण तन में, देख तुझे घबराएंगे, देख तुझे घबराएंगे, नहीं चलेगा कोई बहाना, नहीं चलेगा कोई बहाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना, धन दौलत रूप खजाना यही धरा रह जाएगा, यही धरा रह जाएगा, दौलत के दीवानों सुन लो, कुछ भी साथ न जाएगा, कुछ भी साथ न जाएगा, आया अकेला अकेला ही जाना, आया अकेला अकेला ही जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। जब लो आर का रिस्पांस स्वस्ति भूषण माता जी की। लौट आएगी खुशियां, ये तकलीफों का दौर है,
थोड़ा संभल कर रहो, ये इम्तिहानों का दौर है। बंधुओं, कोरोना महामारी के इस भीषण संकट में भक्ति ही एक सहारा है। मैं जहाजपुर वाले बाबा के चरणों में आज ये विनती करता हूँ कि ये वैश्विक महामारी, ये संकट जल्दी खत्म हो और आप जल्दी जहाजपुर आएं। बंधुओं, प्रतिदिन यहाँ पर परम पूजनीय गुरु मारे का रत्न स्वस्ति भूषण माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में भूगर्भ से प्रकटित चैतन्य चमत्कारी अतिशयकारी 1008 श्री मुनीश्वरनाथ भगवान का अभिषेक और शांति धारा होती है। आप अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से यहाँ पर अभिषेक और शांति धारा करवा सकते हैं। साथ ही यहाँ पर प्रतिदिन पूज्य माता जी के सानिध्य में पूज्य माता जी के द्वारा रचित विधान प्रतिदिन हो रहा है। इसमें एक दिन का विधान और शांति धारा आप अपने परिवार की ओर से करवा सकते हैं, जिसकी न्योछावर राशि मात्र 5100 रुपये है। आप अपनी सूचना 9728063107 इस नंबर पर दे सकते हैं। धन्यवाद। जन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका काव्य रत्नाकर आरिका रत्न 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी की पावन प्रेरणा व सानिध्य में श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर राजस्थान में भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की चरण छाव में, जिनके अभी तक स्वतः ही 4 बार रंग परिवर्तन, ललाट पर रेखाएं उभरना व विलुप्त होना, 4 महीने तक नाभि में स्पंदन, प्रशासन के उठाने के प्रयास पर प्रतिमा भारी व भक्तों के उठाने पर हल्की होना, भगवान का देवों द्वारा 2 घंटे तक अभिषेक व दाई आंख से दिव्य ज्योति प्रकट होना, ऐसे अतिशय हो चुके हैं और हर रोज हजारों भक्त भगवान के दर्शन, अभिषेक, पूजा एवं विधान करके अतिशय पुण्य का लाभ ले रहे हैं। सहयोग राशि जमा कराने हेतु बैंक खाता विवरण निम्न प्रकार है। खाते का नाम श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर। बाहर से आने वाले समस्त भक्त गणों की पूर्ण व्यवस्था क्षेत्र द्वारा की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9782063107, 8824620107।